सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था, बटोगे तो कटोगे। हिंदू एकता की बात कहते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब ये कह दिया है कि अगर बटोगे तो बांटने वाला महफिल सजाएगा। ऐसे में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है राजनीति में, बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रही है। हमारे साथ कानपुर के तमाम लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनाव का जब वक्त आता है उस वक्त वो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। दरअसल ये जो वक्तव्य आया है प्रधानमंत्री का, वो आया है हरियाणा चुनाव के दौरान, जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार के दौरान उन्होंने ये बात कही है। तमाम लोगों के साथ उनसे बात करते हैं। वैसे ये बताइए, क्या लगता है क्यों बीजेपी इस तरीके की बात करती है? पहले योगी जी ने कहा, अब मोदी जी भी वही बात कर रहे हैं। यार, दुनिया में जो परिस्थितियाँ कर रही, बांग्लादेश वगैरह की जो पोजीशन है और जो सब जगह आप देख रहे हैं स्थितियाँ, तो एकजुट होना तो बहुत ज़रूरी है। वो गलत बात नहीं कह रहे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देश में भी विपक्षी नेता जिस तरह जातिगत जनगणना और बांटने की जो बात कर रहे हैं, उस हिसाब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज विपक्ष भी उसी मुद्दे उसी पर चल रहा है ना, जातिगत जनगणना कराएंगे और जाति के हिसाब से बांटने का ही तो प्रयास किया जा रहा है। तो आपको लगता है हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, आप एकजुट होगे तो आपका वजूद अगर अपना बचाना है तो एकजुट तो होना ही पड़ेगा भविष्य के लिए। नहीं तो जिस सारे परिस्थितियाँ सब जगह चल रही हैं, अफगानिस्तान में आप खत्म हो गए, बांग्लादेश में आप खत्म हो गए, पाकिस्तान में खात्मे कगार पे हो, 1% रह गए हो, अब बचा ही कहाँ पे हो, तो आगे तो खत्म ही हो जाना है फिर। भाई साहब, क्या लगता है क्यों RSS के मुद्दे की बात कर रही है बीजेपी? अब ठीक कर रही है RSS के मुद्दे की बात बीजेपी, क्योंकि ये बात सही होगी जी कि उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि बटोगे तो कटोगे। उधर एकता है, यहाँ जातियों विभाजित हैं, हर आदमी अपना अपना एजेंडा लेकर चल रहा है, वहाँ खाली एक एजेंडा है, टोपी लगाओ काटो, लिहाजा हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं कि आप जो हिंदू है अगर एक नहीं हुआ तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? उठाना पड़ेगा ही, आने वाले 1 साल के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, ये जहाँ रहेंगे बवाल मचाते रहेंगे। क्या लगता है इन बयानों के क्या मतलब निकाले जाने चाहिए? ये कटु सत्य है, हमको सबको एक हो जाना चाहिए, देश हित में है, प्रदेश हित में है, समाज हित में है। अगर हम सब एक नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश या अन्य देशों में हमारे लोगों की जो बेइज्जती हो रही है, अपमानित किया जा रहा है बहु बेटियों के साथ में, मंदिरों के साथ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तो उनका अपमान नहीं किया जाता, किसी भी धर्म के मंदिर या मस्जिद या अन्य जो भी उनके धर्म के स्थान हैं उनमें तो हम लोगों ने अपमानित नहीं किया है, है? आज हमारे लोगों के साथ में यह अन्याय क्यों हो रहा है, ऐसा तो हमें उचित नहीं लग रहा है। ऐसे में ये लग रहा है कि एकजुट हो जाएंगे तो बच जाएंगे, अगर जातियों में बटे रहेंगे, उपजातियों में बटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल कट सत्य है, ये सत्य है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा फिर तो, ये जिस तरह से पहले गुलाम होता रहा है वैसे ही फिर हो जाएगा, फिर हमारा कोई, हमारी तो वही इज्जत होगी जो बांग्लादेश या अन्य देशों में हिंदुओं की है। इन तमाम लोग ये कहते हैं कि डर दिखा करके बीजेपी राजनीति कर रही है, मुस्लिमों का डर दिखाती है और हिंदुओं की एकता की बात करती है और वोट लेती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो इन लोगों ने एकता की वजह से तो जो वहाँ रह गए थे, आज वो 1% और खात्मी कगार पे, ये एकता की बात तो करते थे, और जो छोड़ के रिफ्यूजी बन के यहाँ रहने आए, सिंध प्रांत छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में, आज वो सुरक्षित तो हैं, अपने सर्वाइव भी कर लिया, और जो वहाँ रह गए उन्होंने सोचा एकता है और ये सब जातिवाद है, नहीं हुआ तो उसका आज परिणाम क्या है, अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो। तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी जो है योजना है, ये सोच अगर इस तरह की नहीं होगी तो ये बटेगा ही और कटेगा, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी, एक जगह हम नहीं रह रहे हैं। जिन्होंने बांग्लादेश या पाकिस्तान चुना था उस समय, वो सोचे थे ये मेरे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ कभी कोई गलत तो होगा नहीं, ये जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन उस योजना का क्या फ़ायदा हुआ? आज ये हुआ कि आज वो वहाँ पर खात्मी कगार पे आ गए, और आज जो जितना कुकृत्य हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते, ये है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है एकदम सही कहा है, ये दूरदर्शी सोच है उनकी, और इस पर हर आदमी को अमल करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे अमल तो वो जो कहा है बटेंगे तो कटेंगे, और वो जश्न मनाएंगे और मना ही रहे हैं, चाहे बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान देखो, सब जश्न मना ही रहे हैं, हिंदुओं के खात्मे पर ही तो जश्न मना रहे हैं, किस बात में मनाते हैं? इसराइल वाले युद्ध पर उनको मारा जाता है, वो यहाँ पर शोक मनाते हैं, इसका मतलब इनकी यूनिटी इतनी तगड़ी है कि इसराइल में मारा जाएगा जिसको हम लोग आतंकवादी कहते हैं तो भी आके यहाँ पर जश्न मनाते हैं और भीड़ के साथ है, और हम लोग क्या कर पाते हैं? तो उनकी यूनिटी ये है, ये यूनिटी है, तो दूरदर्शी सोच है, इस पर अमल करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर हम खात्मे के कगार में यहाँ भी आएंगे,
ये भारत में बात हमेशा सह अस्तित्व की कही जाती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, लेकिन अब क्या मजबूरी आ गई कि कहा जा रहा है कि हिंदू एक हो जाओ? सर देखिए, अगर आप माने इस चीज़ को तो हमारी आर्य संस्कृति हिंदू धर्म सबसे पुराना है, जितने भी धर्म आज हुए हैं जितने भी उसमें सबसे पुराना हिंदू धर्म, और हिंदू सबसे सहिष्णु है, यानी कि सब कुछ सहता है। सबसे बड़ी चीज़ हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं है, हिंदू जो है अपने धर्म के प्रति आशावान है, आसक्त है, कट्टर नहीं है। बाकी धर्मों में आप देख लीजिए जो अदर धर्म है उसमें कट्टरता बहुत है, उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें किनारे रख दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं, कोर्ट कचहरी हमसे कोई मतलब नहीं, हम जो अगर हमारे मतलब भगवान के कुछ भी किसी ने कह दिया तो तौहीन है। वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि जैसे भारत है सेकुलर कंट्री है, जैसे आपको अपनी बात कहने का व्यक्ति का अधिकार है वैसे हमको भी है, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो उस चीज़ को एकदम से अपने सीधे भगवान के ऊपर ले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, और इसके अगेंस्ट भी आप देखिए इस समय इतनी घटनाएँ हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उसमें जितने भी अगर कहीं पर भी हिंदुओं के साथ गलत होता तो कोई भी जो है उस पर नहीं बोलता, या विपक्षी दल बोलता है ना अदर धर्म के कोई मौलाना गुरु या कोई भी बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के जरा भी हो जाए, आप ये समझ के चलिए किसी ने भी कुछ कर दिया या हो गया, तो विपक्षी दल से लेकर सब एक साथ चालू हो जाते हैं कि साहब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और उसमें हमारे विपक्षी दल में जो हिंदू पार्टियाँ वो लोग भी ऐसे ही करती हैं, क्यों? जातिगत। आज की डेट में जिस दिन इस देश में जो है जातिगत जब तक रहेगा, जातिगत आधार पर वोट पड़ते रहेंगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे, तो जातिगत वोट समीकरण जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और जातिगत वोट समीकरण जब खत्म होगा तभी जो होगा। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी मैंने देखा है कि विपक्षी दल जो भी है, ये अगर आदमी हाईस्कूल भी पास कर लेगा ना तो सोचने का उसका नज़रिया बढ़ जाएगा, वो अच्छी चीज़ सोचेगा। आज वो शिक्षा नहीं देना चाहते, केवल जातिगत उस पर बांटना चाहते हैं कि बटे रहो तभी उनका वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी और उनको वोट मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म एक ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि सहिष्णु है, चाहे जो कह लो, चाहे मतलब जिधर से उधर से मंदिर के घंटे की तरह चाहे जो आ गया बजा चला गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज हमको एक होना पड़ेगा, आज जाति को छोड़ करके हमको सबको एक होना पड़ेगा, तब जा करके अगर हिंदू अपने को वर्चस्व को रखना है, अपनी उत्पत्ति को रखना है, धर्म को रखना है, तो निश्चित तौर पर आपको एक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 10-20 साल 50 साल और क्या बचेगा। कुछ किस तरीके से विभाजन किया जा रहा है, किस तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? जातिगत मत गणना। अब क्या है, जिसकी जाति कहते हैं जिस जो जितनी जाति का उसको उतना ज़्यादा लाभ? अरे भैया सीधी सी बात है, भारत एक है, भारत के नागरिक सब है, सबके लिए कानून बराबर है, सबको जो है जो जैसा करेगा। मान लीजिए कि जिससे जितनी पढ़ाई करिएगा IAS बनता और एक क्लर्क भी नहीं बन पाता, अब आप कह दो नहीं साहब उसके में तो जाति उसकी सबसे ज़्यादा इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ उसको मिलेगा, जो पढ़ा लिखा हो गया उसको कुछ नहीं, क्योंकि जाति में कम है उसकी गणना कम है, ऐसा थोड़ी ना। आपको नियम कानून तो एक जैसे भारत चल रहा है, कानून को तो मानना ही पड़ेगा, कानून को मानने वाले आज बचे कहाँ हैं? कोर्टें आदेश करती हैं लेकिन उसका जो है पालन कहाँ हो पाता है? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको देखिए, चाहे उसके अंदर सरकार उठाए, चाहे कोर्ट उठाए, चाहे पब्लिक उठाए, आज की डेट में ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि आपको अपना वजूद अगर बचाना है तो आपको एक तो होना पड़ेगा। क्या लगता है भाई साहब, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो कट जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेके अभी तक ऐसा बयान नहीं आया। आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, इनके इस बयान को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हिंदू नेता होने के कारण हिंदुओं के प्रति इनकी जो ये संपत्ति है ये पीड़ा है, क्योंकि ये इन्होंने ये हमारी संसद से निकल के आया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर रखना। तमाम मर्द सेकुलर होके भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे योगी जी ने तमाम बार भाईचारे का काम किया, लेकिन उन्होंने हमेशा देखा कि ये मौलवी और इनके फतवे ने हमेशा हिंदुओं के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, हमेशा इनको इनका दमन करने का काम किया। इसलिए बार बार ये जगाने के लिए, इसको कोई ऑर्डिनरी बयान न समझे हिंदू समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। जब सूबे का एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देता है कि कटोगे तो पटोगे, आप देख लीजिए बांग्लादेश में, मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव से कि पूरे समाज को जो बांटने का, यादव करके जाति को छीनने का काम करते हैं। बांग्लादेश में जो भी मारे गए, जो मुसलमानों ने हत्याएं की, बहन बेटियों का बलात्कार किया, तब वहाँ ये नहीं देखा
कि ये यादव हैं कि बनिया हैं कि गुप्ता हैं कि मौर्य हैं कि पंडित हैं कि ठाकुर हैं, उन्होंने केवल अगर बलात्कार बहन बेटियों का किया, उन्होंने अगर हत्याएं की हैं तो केवल हिंदू समाज की हैं। इसलिए योगी जी चिंता कर रहे हैं। जब भारत का देश जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 12-13% और 14% वहाँ पे हिंदू हुआ करते थे, आज 1% हिंदू वहाँ रह गए, 11% हिंदू कहाँ चले गए? क्या ये जानता नहीं है? कहीं ना कहीं उनकी बहन बेटियों को हिंदू समाज की उठा के ले गया, उनको मुस्लिम धर्म अपना दिया गया, तब जाके आज वो चिंता के ये विषय आ रहा है कि 20 साल बाद हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा। और आम जनता को इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये अपना देश पूरा बांग्लादेश की तरीके स्थितियाँ आ जाएंगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी के बयान को अपने देश के मुखिया मानते हुए उनके इस संदेह को, क्योंकि ये गैर राजनीतिक बयान नहीं है, ये अंदर से हिंदुत्व के प्रति जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, हिंदुओं के साथ जो दमन हो रहा है, इसलिए ये वास्तव में ये समाज के प्रति, अपने हिंदू समाज के प्रति ये वास्तव में दर्द निकला है कि है मेरे हिंदू भाइयों अभी भी जाग जाओ। आप देखिए जिस विधानसभा में हम आज खड़े हैं, हमारे यहाँ सीतामऊ विधानसभा का चुनाव है, उनकी कौम का सुहैल अहमद जो कांग्रेस में पार्षद के चुनाव में 7,000 वोट पाता है, 7,000 वोट जो सभासद के चुनाव में पार्षद के चुनाव में पाता है, लेकिन जब वही विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो कौमी एकता के आधार पे उसको 500 मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, 4,500 हिंदुओं का वोट भी वो ले जाता है, 24,000 वोट हमारे हिंदुओं को बलगला के, बेवकूफ़ बना के, उनको लालच दे के, तमाम गुमराह करके, जाति आधार पे बांट के 24,000 वोट ले जाता है। ये तो 55,000 वोट ही तो खाली इरफान सोलंकी को मिलते आए हैं। क्या 55,000 मुसलमानों के वोट पे कभी ये विधायक बन पाता? कभी नहीं बन पाता विधायक। और देखिए इसने विधायक बनने के बाद किसी मुसलमान डॉक्टरों का अपमान नहीं किया, किसी मुसलमान फैक्ट्रियों का अपमान, मालिकों का अपमान नहीं किया, किसी टेंडरी वालों का अपमान नहीं किया। अगर इसने अपमान किया है तो मेडिकल कॉलेज में बेचारे नए लड़के जो वहाँ पे विषय पर किसी और दिन बात करेंगे। ये बताइए भाई साहब, क्या लगता है जिस तरीके से बयान लगातार सामने आ रहे हैं, हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे और उसके बाद बांटने वाले जो हैं वो महफिल सजाएंगे, तो क्या मतलब निकाला जाना चाहिए इनका? मेरे ख्याल से जो हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए चुनाव में, देखा जाए अगर जैसे मुसलमान का होता है तो मुसलमान एक ही जगह वोट देता है, लेकिन हिंदू में अपना देखता है कि ब्राह्मण कहाँ पे है, यादव कहाँ पे है, यादव को वोट देगा, कुछ मुसलमान को देगा, लेकिन हिंदू अगर एक जन को देगा तो बीजेपी के लिए भी अच्छा है और पूरे संस्थान के लिए अच्छा है। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने अपनी राय रखी, उनका कहना ये है कि हिंदू जिस तरीके से एक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसे बल मिलेगा और जिस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं वो हिंदुस्तान में कम से कम नहीं हो पाएंगी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और बनारस की जनता से जानेंगे कि उनका क्या इस पर कहना है कि जिस तरीके से मोदी योगी हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ काशी की जनता है, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि हम सभी एक साथ हैं और कभी भी बंटने वाला नहीं है और भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, किस तरीके से देखें? जी, मोदी जी और योगी जी ने जो बातें बोली एकदम सही बोली हैं। अभी आप इसी पे देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो सिखों के साथ किया था उसने भारत को तोड़ने का काम किया था, सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई लगवाने का काम किया था, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा करते हुए आ रही है। कभी वो हिंदू और मुस्लिम करती है, कभी वो हिंदू और सिख करती है। तो योगी जी और मोदी जी का जो स्टेटमेंट है कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं और सबकी एकता ही हिंदू राष्ट्र बनाएगी, तो वो एकदम 100% एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि उनका ये जो विज़न है देश को और कितनी बुलंदियों पर ले जाएगा? जी, अभी तो और ऊंचाइयों पे हम लोग को जाना है, जो ये विज़न से ये लोग काम करें। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आगे 10 साल के लिए सोच के चलती है और कोई पार्टी का विज़न इतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर मोदी जी और योगी जी का है। तो ये जो विज़न के साथ चल रहे हैं ये अभी 20, 27, 29, 32 सब निकालते जाएंगे हम लोग आगे। अभी किस तरीके से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो विज़न है मोदी योगी जी का, ये देश को आगे बढ़ने में सहायक होती है? देखिए, ये इनका जो विज़न है ये हमेशा हम लोग के हित में ही साबित हुआ है, फिर चाहे वो हिंदुओं के हित में हो, मुसलमानों के हो या फिर सिखों के हित में हो। तो ये कहना कि अगर बाकी सब पार्टीज़ जो हैं जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, ये सब हम लोग के हित में हैं, तो ये सब झूठ
के अलावा और कुछ नहीं करते, ज़्यादातर काम सिर्फ तोड़ने का ही करते हैं।